X9 News Political Bite। अनुप्रिया पटेल इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। या दोस्तों, अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के साथ हैं, अब ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी से किनारा करने की कोशिश कर रही हैं और बीजेपी में बगावत करने की कोशिश कर रही हैं। या दोस्तों, बीजेपी से अलग होने के ख्वाब देख रही हैं अनुप्रिया पटेल। उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोका, ऐसी खबर आ रही है सामने। या दोस्तों, हमारे पास जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने यूपी में सीएम पद के लिए दावा ठोक दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर अनुप्रिया पटेल सीएम बनती है, यानी योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के बारे में अनुप्रिया पटेल सोच रही है। अब इसके सियासी समीकरण आगे क्या बनेंगे वो आप समझ सकते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर अनुप्रिया पटेल सीएम बनती है तो पिछड़े वर्ग जितने हैं उनका विकास संभव है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने सवालों के बौछार करवानी शुरू कर दी है लोगों की तरफ से। तो देखिए, ये वाकई बीजेपी के लिए एक तगड़ा झटका हो सकता है अगर अनुप्रिया पटेल ऐसी बगावत करती हैं। और अनुप्रिया पटेल ने ये दावा जो ठोका है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, उन्होंने जो इच्छा जाहिर की है, ये बीजेपी के तमाम मंत्रियों यानी यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी होश उड़ा सकते हैं। अब देखिए, केंद्र में वो मंत्री हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी होश उड़ सकते हैं, मोदी मंत्रिमंडल में बैठे हुए तमाम मंत्रियों के होश उड़ सकते हैं। अब आगे आने वाले दिनों में अनुप्रिया पटेल का जो ये जो इच्छा उन्होंने जाहिर की है, आगे आने वाले दिनों में उस इच्छा को किस तरीके से प्रबल बनाती हैं और धरातल पर कितना उतारती हैं, कितना नहीं, आने वाला वक्त बताएगा, जिसकी अपडेट लेकर आप तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।